बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वही बात लिखी हुई है जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में आपने लिखनी है, सिचुएशन समझानी है। उसके बाद इसका भी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट की थी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम विदाउट एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से, उसी से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर हम दोनों की जगह सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वी की जगह भी करेंगे और टाइम की जगह भी करेंगे। वी मीन स्पीड से आ जाएगा और टाइम आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो दोनों की जगह सब्स्टिट्यूशन करनी है हमने। अच्छा, ये समझाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको वापस इस ग्राफ पे लेके आता हूँ, इसी से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकालते हैं और इसी के जरिए हम थर्ड इक्वेशन भी समझेंगे। ओके प्यारे बच्चों, ये आप जरा देखें कि ये वही ग्राफ है जो आपको पहले नजर आ रहा था, वही डायग्राम है। स्लोप मैंने आपको पहले पढ़ाया है, स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अगर आप सिर्फ ट्राइंगल पे गौर करें तो इस लाइन का जो स्लोप है, स्टीपनेस है, कि ये कितनी ऊपर नीचे है, वो कैसे आएगी, डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई है इसका, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो ये डेल्टा वाई होगा, वो खुद किसके बराबर है, वीएफ माइनस वीआई के, क्योंकि पूरी ब्लू लाइन तो वीएफ के बराबर है। कल भी आपको समझा दिया था कि ये वैसे भी वीएफ माइनस वीआई होगा, क्योंकि वीएफ माइनस वीआई करूंगा तो इतना पार्ट आएगा, ठीक है। तो यहां मैंने सेपरेट करके इसको लिख दिया। सो ये डेल्टा वाई हो गया और डेल्टा एक्स चाहिए, तो वो ये रहा, वो किसके बराबर है, टाइम के। ओके तो इस तरह से इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई जो कि वी एफ माइनस वी आई है, ये डेल्टा एक्स होगा, यानी टी टू माइनस टी वन को मैंने टी लिख दिया, पूरा नहीं लिख रहा, टी टू माइनस टी वन, शॉर्ट में टी उसी की बराबर है, तो ये डिवाइड में टी आ गया। सो ये इस ब्लैक लाइन का स्लोप है कि ये कितनी स्टीप है, वो इसी तरह हम निकालते हैं ना ट्राइंगल से, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो ये मैंने लिख दिया। आप जरा गौर करें कि ये चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है, इसको हम लेते हैं एक्सिलरेशन। टाइम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रीअरेंज कर दें, वापस आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। तो इसी से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही भी आ गई आपकी, जो कि इस लाइन का स्लोप है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसी से बनाई थी हमने। इस पूरे का एरिया अगर हम एक साथ लेंगे, सेपरेट लेंगे, तो नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया ये है वी आई टी, और ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई टी। पूरे का हमने एक साथ लिया था ट्रेपेजॉइड की फॉर्म में, तो वो क्या आया था हमारे पास, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई टी। जो मल्टीप्लाई बाई टी आया था उसको हमने इससे मैच करके उसको हमने डिस्प्लेसमेंट बना दिया था। अच्छा, अब यहां पर वापस आते हैं, फिर से हम देखते हैं। तो देखें, ये फॉर्मूला आपको यहां नजर आ रहा है, ये एवरेज स्पीड हमने निकाल ली थी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। सो मुझे दो चीजें चाहिए थी, स्पीड मैंने मीन स्पीड थ्योरम से निकाल ली और टाइम मैंने निकाल लिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। एक्सेलेरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को vf इज इक्वल टू vi प्लस at ही लिखे, बात एक ही है, रीअरेंज हुई भी है, एक्सेलेरेशन के फॉर्मूले से ही वो निकली थी। सो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, या t डिवाइड हो रहा है a के साथ, इक्वल के तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो at बन जाएगा, तो a को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई वाले को इक्वल की दूसरी साइड भेज के डिवाइड कर दिया, दो काम एक साथ कर दिया हम। सो अब मुझे v भी मिल गया मीन स्पीड थ्योरम से और t मिल गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। इन दोनों वैल्यूज को, जिसको मैंने इक्वेशन वन का नाम दिया और इक्वेशन टू का नाम दिया, इन दोनों वैल्यूज को उठा के पुट कर दें इक्वेशन ए में। मैंने यहाँ लिखा हुआ है पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू इन इक्वेशन ए। मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट ऐसी रहा, इक्वल का निशान ऐसी रहा, वी की जगह एवरेज वेलोसिटी आ गई इक्वेशन वन से, जो कि वी बराबर है वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई टू के, देन फिर मल्टीप्लाई बाई टी हो रहा था, तो टी खुद किसके बराबर है इक्वेशन टू के हिसाब से, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। अब इसको हम सिंपल अलजबरा लगा के बाकी आगे की सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाला पार्ट नीचे से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2a, ऊपर एक पूरा ब्रैकेट है, ऊपर दूसरा ब्रैकेट है, तो ये हो जाएगा वी एफ प्लस वी आई और ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई। आप चाहें तो इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं, या आप चाहें तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का तरीकेकार क्या होता है, वी एफ को पहले वी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को दूसरे ब्रैकेट की पहली टर्म से, फिर इसी वी एफ को दूसरे से, ये वी एफ दूसरे ब्रैकेट के तमाम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर दूसरी टर्म पे आ जाएंगे पहले ब्रैकेट की, फिर इसको इससे और इसको इससे, वन बाय वन हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आंसर सही आएगा आपके पास। और भी तरीकेकार है, सिंपल हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। आपका फॉर्मूला क्या है, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के, यानी ये पार्ट बराबर है इसके। अब देखें यहां भी दो ब्रैकेट इन्वॉल्व है, यहां भी दो ब्रैकेट इन्वॉल्व है, यहां दो बातें लिखी हुई है, ए और बी के दरमियान प्लस का निशान है और ए और बी के दरमियान माइनस का निशान है, ये बी माइनस ए नहीं है, ए पहले है तो यहाँ ए पहले, बी बाद में तो बी बाद में, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, चेक कर लेते हैं।
ए और बी को क्या है हमारी सिचुएशन में, ए वी एफ है और बी वी आई है। सो ए और बी के दरमियान प्लस का निशान, वही वी एफ और वी आई के दरमियान माइनस का निशान, और दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो उसको हम बराबर लिख सकते हैं। अगर ये सिचुएशन आती है तो पहली वाली का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। डिस्प्लेसमेंट बराबर है पहले वाले का स्क्वायर यानी वी एफ है, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू है। यहाँ टू ए डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू ए एस बराबर आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ ये प्रूफ हो जाती है। अच्छा, अब इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे जरा गौर करें कि मैंने यहाँ पर किसी पर्पज से वेक्टर के निशान नहीं बनाए। यहाँ से भी मैं वेक्टर का निशान फिलहाल आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। क्यों नहीं लगाए वो मैं अभी बताता हूँ। पहली इक्वेशन हमने देखी थी कि वेलोसिटी एडिशन थी, वेक्टर एडिशन थी। दूसरी इक्वेशन भी हमने देखी, एरिया के पर्पज में डिस्प्लेसमेंट एडिशन थी। यहाँ पर वेक्टर एडिशन नहीं हो रही है। अब हम वेक्टर और स्केलर वाला मामला भी साथ में देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये बस आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम एनालिसिस कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सबसे पहले वेक्टर और स्केलर वाला मामले देख लेते हैं हम। आपको याद होगा मैंने चार तरीकेकार बताए थे, टोटल तीन थे, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। दो फ्लेवर थे वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जब भी दो सेम वेक्टर या डिफरेंट वेक्टर भी मल्टीप्लाई होते हैं तो स्केलर आंसर आता है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया था। जब क्रॉस प्रोडक्ट के उसूल से मल्टीप्लाई होते हैं दो वेक्टर, चाहे वो सेम हो या अलहदा हो, अलग अलग हो, तो वेक्टर आंसर आता है। यहां पर आप जरा गौर करें प्यारे बच्चों, इसकी अगर हम एनालिसिस करें तो ये लिखा है टू ए डॉट एस, यहां पे मैं डॉट प्रोडक्ट लगा रहा हूं। यहां वी एफ स्क्वायर है तो वी एफ स्क्वायर का मतलब होता है वी एफ मल्टीप्लाई बाय वी एफ, ओके, माइनस वी आई स्क्वायर है तो वी आई मल्टीप्लाई बाय वी आई। यहां मैंने डॉट प्रोडक्ट क्यों लगाया, एक बात आप याद रखें प्यारे बच्चों, अगर सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा क्रॉस उसूल के जरिए तो आंसर जीरो आता है। इसका मतलब यहां जीरो तो नहीं है, स्क्वायर करने पर ये भी जीरो नहीं है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो यहां पे नहीं लगेगा। इट मींस के दूसरा उसूल बचता है वो है डॉट प्रोडक्ट, तो वो हम यहां पर अप्लाई करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है जरा देखें, जब वी एफ डॉट वी एफ होगा तो ये वी एफ स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक ये वेक्टर था, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, क्योंकि दोनों वेक्टर होने चाहिए डॉट प्रोडक्ट के लिए, ये भी वेक्टर होने चाहिए, यकीनन वेलोसिटी वेक्टर है, यहां भी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वी एफ डॉट वी एफ करूंगा तो वी एफ स्क्वायर तो बनेगा लेकिन ये स्केलर बनेगा। वी आई डॉट वी आई तो करूंगा क्योंकि इसका आंसर स्केलर आता है, तो वी आई स्क्वायर तो बनेगा लेकिन स्केलर बनेगा। जब ये स्केलर बनाए, ये स्केलर बनाए, तो ये कैसे वेक्टर बन सकता है, ये भी स्केलर बनेगा, इसलिए यहां भी डॉट प्रोडक्ट लगाया। यहां दो डिफरेंट वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, ये भी स्केलर बनेगा, इसलिए ये स्केलर इक्वेशन है, वेक्टर नहीं है। क्लियर है मामला? सो ये हो गया स्केलर वेक्टर की कहानी। अब हमारे पास प्यारे बच्चों यहां पे वी एफ पे भी स्क्वायर है, वी आई पे भी स्क्वायर है। अब जरा आप अगर गौर करें कि हमारे पास वेलोसिटीज की चार पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो दोनों वेलोसिटी इटसेल्फ पॉजिटिव होंगी, या दोनों नेगेटिव होंगी, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगी, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगी, ये चार पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक्सेलरेशन में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी आ जाए वेलोसिटी में, तो प्यारे बच्चों स्क्वायर का क्या काम होता है, अगर फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव टू है तो आपने क्या करना है, नेगेटिव टू का स्क्वायर करना है। नेगेटिव टू का स्क्वायर प्लस फोर होगा, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू। अगर वी आई भी आपकी नेगेटिव है, मान लें कि माइनस थ्री का स्क्वायर, तो माइनस खत्म कर देता है ये इवन पावर, ये प्लस का नाइन होगा। तो इसका मतलब वो जो आपकी चार पॉसिबिलिटीज थी, अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है। इट मींस ये स्क्वायर की वजह से आप वेलोसिटी नेगेटिव रखेंगे वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगी, यहां भी ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब कि ये दोनों नंबर तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते स्क्वायर की वजह से। ये बात समझ आती है? अब ये राइट हैंड साइड कब नेगेटिव होगी, यहां पे देखें बीच में माइनस का निशान है। जब माइनस का निशान होता है तो हमारे पास तीन आंसर्स आते हैं, अगर दोनों नंबर बराबर होंगे तो जीरो हो जाएगा, अगर ये बड़ा होगा ये छोटा होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ये नंबर एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप ये देखें क्या इस नेगेटिव की वजह से ये राइट हैंड साइड नेगेटिव हो सकती है। जब दोनों नंबर बराबर होंगे, वी एफ और वी आई दोनों बराबर होंगे, तो क्या होगा, ये होगा टू माइनस टू, ये माइनस यहां आ रहा, ये दोनों बराबर है,
तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो का मतलब 2as बराबर आ जाएगा जीरो के, और ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कब बराबर होती है, जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो इट मींस के लेफ्ट साइड भी जीरो हो गई। सो बराबर होंगे तो इक्वेशन पूरी जीरो हो जाएगी। अब अगर vf बड़ा होगा, मान ले vf आ गया 9 और vi आ गया 4, तो पहला नंबर बड़ा दूसरा नंबर छोटा, सब्ट्रैक्शन की वजह से ये आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर ये छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए तो अब आंसर नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से आपने इसको सोचना है कि ये टर्म कब नेगेटिव होगी, जब फाइनल वेलोसिटी बड़ी होगी और इनिशियल वेलोसिटी छोटी होगी तब ये टर्म पॉजिटिव होगी, अगर फाइनल वेलोसिटी छोटी होगी और ये बड़ी होगी तब ये टर्म ये साइड नेगेटिव होगी। सो यहां पर भी पॉसिबिलिटी है नेगेटिव और पॉजिटिव होने का। अब बात यह कि जब ये नेगेटिव होगी तो ये टर्म इसके बराबर ही तो है, ये a मल्टीप्लाई बाय s है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये एक्सेलरेशन है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो यहां पर ये कह रहा है कि 2as बराबर है -5 के, इसका मतलब कि इन दोनों में से कोई एक चीज नेगेटिव होनी चाहिए। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना चाहिए ताकि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस आंसर आ जाए। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव आएगा, ये इक्वल आ रहा है क्या इसके, नहीं नेगेटिव होना चाहिए इसको, तो इधर भी हमें नेगेटिव बनाना है। तो एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए तब ये नेगेटिव होगा, चाहे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो या ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, तब भी नेगेटिव आंसर आएगा क्योंकि ये बराबर है ना, आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो एक तो ये इसकी एनालिसिस हो गई। अब बाकी अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं पुरानी एनालॉजी में कि वेलोसिटी जब पॉजिटिव होगी, दोनों वेलोसिटीज पॉजिटिव होंगी और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव लगा हुआ है, तो क्या होना चाहिए, स्पीड अप करनी चाहिए। तो उसको आप फिर आप खुद से टेस्ट कर लें इस पे तमाम चीजों को पुरानी एनालॉजी के साथ, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। इस इक्वेशन में क्या मौजूद नहीं है, टाइम मौजूद नहीं है। अगर आपके पास टाइम ना हो और ये चार पैरामीटर में से कोई से भी तीन हो, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में से कोई भी तीन मौजूद होंगे तो आप चौथा पता कर लेंगे, ठीक है वही सेम। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक साथ लिख देता हूं यहां पर, फर्स्ट थी vf इज इक्वल टू vi प्लस at, सेकंड थी s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये वेक्टर इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन है, ये स्केलर इक्वेशन है। इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस में टोटल पैरामीटर कितने हैं हमारे पास, एक डिस्प्लेसमेंट फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, दो फ्लेवर है, इसके अलावा टाइम और डिस्प्लेसमेंट, टोटल पांच है, पांच पैरामीटर्स हैं और टोटल आपके पास तीन इक्वेशन हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पांच पैरामीटर्स में से अगर आपको तीन इक्वेशंस हैं, कितने नहीं पता होंगे तो आप तीनों इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए पता कर सकते हैं। देखें एक इक्वेशन तो एक अननोन होना चाहिए, दो इक्वेशन तो दो अननोन होंगे, मुझे ए पता करना है, मुझे दो चीजें नहीं मालूम, वीआई नहीं मालूम और एक्सेलरेशन नहीं मालूम। अगर मुझे ये दो चीजें नहीं मालूम, मैं टिक कर देता हूं, ये और ये नहीं पता, दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब मुझे बाकी सारी चीजें पता होना चाहिए, vf टाइम डिस्प्लेसमेंट ये पता होना चाहिए, एटलीस्ट दो इक्वेशन से आप दो अननोन पता कर लेंगे, यानी दोनों इक्वेशंस को मिलाकर बाकी सारी चीजें पता होना चाहिए। जब दो नहीं पता, टोटल पांच पैरामीटर है तो पीछे तीन रह जाते हैं। तो इस तरह से इन तीनों इक्वेशंस का आप इस्तेमाल करेंगे। और ये याद रखना है ये इक्वेशन किस हिसाब से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हिसाब से, एक्सेलरेशन हमेशा एक जैसा रहेगा क्योंकि एक ही एक्सेलरेशन आ रहा है। ये इसलिए भी याद रखना है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा मोशन अंडर ग्रेविटी वो इसी के हिसाब से होगा।